नमस्कार, मैं हूं भूपेन पथरिया। आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। करते हैं आलू के भाव की बात। हाजिर हैं सभी जगह के भाव लेकर। और फर्रुखाबाद मंडी का तो भाव बता ही चुका था मैं आपको, सुबह पोस्ट में डाला था कि मंडी में आवक रही है 7 से 8 मोटर की और भाव रहे हैं आज 1000 से 1200 रुपया कुंतल, और इंडिवल आलू बिके हैं 900 से 1000 रुपया कुंतल। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता ही है कि खुला आलू बिकता है और बाकी पैकेट बारदाना वगैरह जो भी लगता है वो व्यापारिक लगता है, और जो 9 से 10% जो खर्चा होता है मंडी का वो व्यापारी से ही लगता है, और किसान से जो है 8 रुपया पैकेट का खर्चा लगता है। और यहाँ पे इस टाइम पे तौल मिलती है आपको, एक पैकेट पे जो है 53 किलो तो चलता ही चलता है, इस टाइम पे करदा करता है तो 54 किलो मिलता है। इस टाइम पे कुंतल पे आपको एक कुंतल जो है 8 किलो आलू मिलता है मंडी में, और कोल्ड में जो है कोल्ड में वही 53 किलो मिलता है फर्रुखाबाद मंडी में, और बाकी कहीं कहीं जो है पैकेट से सीधे बिक्री होती है। तो कोल्ड में इस टाइम पे मतलब मंडी में भाव कम हुए हैं तो कोल्ड में भी भाव कम हो गए हैं, और कोल्ड में निकासी बहुत कम हो गई है। अभी एकदम काफी जोरदारी से निकासी शुरू हुई थी लेकिन वो निकासी घट गई है और निकासी बहुत कम हो गई है। तो कोल्ड में भाव भी चल रहे हैं अभी वही 600 से 700 रुपया पैकेट के भाव चल रहे हैं 53 किलो, और इक्का दुक्का 725 रुपये भी बिक जाते हैं सिल्चर क्वालिटी वाले आलू, और बाकी मतलब 600 से 700 रुपये भाव चल रहे हैं। कटाई बहुत कम हो रही है, जब से भाव डाउन हुए तो उसे कटाई जो है कम हो गई है। बात करें और सभी जगह का हाल यही है, मतलब कटाई का कन्नौज में भी कटाई कम हो गई है, आगरा में भी कटाई, सिरसागंज में भी कटाई कम हो गई, सभी जगह कटाई कम हो गई जब से भाव थोड़े से डाउन हुए हैं। और भाव जो है सबसे ज्यादा भाव डाउन हुए हैं वो फर्रुखाबाद में डाउन हुए हैं, बिहार में डाउन हुए हैं, और आपके इधर हाथरस में भाव डाउन हुए हैं, और बाकी जगह भाव में उतनी गिरावट नहीं है जितनी गिरावट यहाँ पे है। तो कन्नौज में लाल आलू बिका है आपका 400 से लेके 500 रुपया पैकेट, और चिप्सोना बिका है 500 से लेके 550 रुपया पैकेट विदाउट कोल्ड वाला। फर्रुखाबाद का जो कोल्ड का भाव होता है वो कोल्ड वाले के साथ में होता है, और कन्नौज का विदाउट कोल्ड वाला होता है, इसमें कोल्ड वाला खरीदने वाले को देना पड़ेगा, और जिसमें कोल्ड वाला साथ में है उसमें कोल्ड वाला किसान को देना पड़ता है। बात करें कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी में सफेद आलू आपके बिक रहे हैं वही 475 रुपए से लेके 500 रुपए मन के आसपास, इक्का दुक्का ऊपर भी हो सकते हैं, और वैसे आमतौर पर भाव जो है 475 रुपए से लेके 500 रुपया मन के हैं। और लखनऊ की बात करें चिप्सोना आलू की, तो चिप्सोना यहाँ पे भी भाव डाउन हुआ है आपका 1400 से लेके 1500 रुपया कुंतल रह गया है, यहाँ पे भी 100 रुपए गिरावट है करीब करीब। और सिरसागंज की बात करें तो सिरसागंज में आपका 3797 वो बिक रहा है 650 से लेके 811 रुपया पैकेट विद कोल्ड भाड़े के। टुंडला की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 3797 बिक रहा है 650 से लेके 825 रुपया पैकेट का, और हाइब्रिड बिक रहा है 650 रुपए से लेके 750 रुपए पैकेट का। आगरा की बात की जाए तो आगरा में 3797 आपका 650 से लेके 820 रुपया पैकेट का बिक रहा है, और सासनी हाथरस की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपका बिक रहा है 3797 600 से लेके 700 रुपया पैकेट, और हाइब्रिड बिक रहा है 600 रुपये पैकेट के आसपास, वो भी सुगर फ्री। निकासी सभी जगह इफेक्टेड हो गई है, जब से भाव थोड़े डाउन हुए हैं निकासी सभी जगह इफेक्टेड हो गई है, कम हो गई है। इटावा की बात की जाए तो इटावा में वही भाव चल रहा है आपके मोटा मोटी 600 रुपये से लेके 800 रुपया पैकेट के। और उत्तराखंड हल्द्वानी की बात करें तो उत्तराखंड हल्द्वानी में आपका 3797 चल रहा है 1400 से लेके 1500 रुपया कुंतल सुगर फ्री आगरा वाला, और संबल का पुखरा चल रहा है 1300 से लेके 1400 रुपया कुंतल। दिल्ली आजादपुर मंडी की बात करें तो दिल्ली आजादपुर सूर्य आपका बिका है 900 रुपए से लेके 950 रुपया पैकेट, और इक्का दुक्का ऊपर भी हो सकते हैं बहुत बढ़िया क्वालिटी के, क्योंकि आलू क्वालिटी के हिसाब से बिकता है, और ये जो मैं भाव बताता हूँ ऐसा नहीं कि जो मैंने बताया है वही लकीर है, अब बढ़िया क्वालिटी के आलू इससे भी थोड़े बहुत ऊपर हो सकते हैं, और निवल क्वालिटी के आलू इससे नीचे हो सकते हैं, ये एवरेज क्वालिटी मतलब जो मतलब बढ़िया आलू है जो ये एक्स्ट्रा सुपर नहीं है और मतलब खराब भी नहीं है, तो एवरेज क्वालिटी का भाव समझ सकते हैं, और बहुत बढ़िया आलू जो है वो अलग क्वालिटी जिनकी है वो भाव अलग हो सकते हैं थोड़े बहुत। तो सूर्य बिका है आपका 900 से लेके 950 रुपया पैकेट 50 किलो, और 3797 आपका बिका 600 बिक रहा है 600 से लेके 700 रुपया पैकेट का, और चिप्सोना बिक रहा है आपका 750 से लेके 800 रुपया पैकेट का,
हाइब्रिड वही बिक रहा है 500 से लेके 600 रुपया पैकेट का, 50 किलो के हिसाब से। बात करें बिहार की, तो बिहार समस्तीपुर में C40 बिक रहा है 800 से लेके 900 रुपया क्विंटल। यहाँ पे भी भाव काफी डाउन है, 800 से लेके 900 रुपया क्विंटल C40 लाल आलू। लाल आलू की डिमांड बड़ी कम है इस टाइम पे। और बिहार में गुलाब बाग की बात करें, तो गुलाब बाग में सफेद आलू आपका बिक रहा है 1300 से लेके 1400 रुपया क्विंटल, और हालैंड आपका बिक रहा है 800 से लेके 1000 रुपया क्विंटल। ये कई सालों में पहला चांस है जब हाईलैंड के रेट कम है और सफेद आलू, मतलब लाल आलू के रेट कम है और सफेद आलू के रेट ज्यादा है। और वैसे पिछले कई सालों से ऐसा ही होता आया है कि मतलब लाल आलू के भाव हमेशा ऊपर रहे हैं और सफेद आलू के भाव नीचे रहे हैं, लेकिन इस बार लाल आलू के भाव नीचे हैं। झारखंड की बात करें, तो झारखंड लोहारडगा एक जगह है जहां पे आलू बिक रहा है आपका 1600 से लेकर 1700 रुपया क्विंटल का। और एमपी इंदौर की बात की जाए, तो एमपी इंदौर में आपका ज्योति बिक रहा है आपका 1300 से लेके 1500 रुपया क्विंटल का, बढ़िया आलू और बहुत सुपर क्लास का, इससे भी ऊपर हो सकता है। और एलआर बिक रहा है आपका 1400 से लेके 1600 रुपया क्विंटल, सुपर क्वालिटी, बहुत बढ़िया सुपर क्वालिटी होगी तो इससे ऊपर हो सकता है थोड़ा बहुत। और मीडियम आलू आपके बिके हैं वो 1000 रुपए से लेके 1200 रुपया क्विंटल। गुजरात में अहमदाबाद का भाव नहीं आया। बात करें सूरत की, तो सूरत में आपका पुखराज बिका है 240 रुपए से लेके 300 रुपया मन, और ख्याति बिका है आपका 290 रुपए से लेके 330 रुपया मन, और आपका बादशाह बिका है आपका बढ़िया वाला 340 रुपए से लेके 400 रुपया मन। और यहाँ पे मन जो है वो आपका 20 किलो का होता है, तो जो मैंने भाव बताए हैं ये 20 किलो के भाव हैं। और वहीं पे बिहार गुजरात में दिशा की बात करें, तो यहाँ पे पुखराज बिका है आपका 625 रुपए से। कोल्ड की बात है दिशा में, सूरत ये मंडी के भाव है और दिशा कोल्ड के भाव है। पुखराज बिका है यहाँ पे आपका 625 रुपए से लेकर 650 रुपया पैकेट का, और ख्याति बिका है आपका 725 रुपए से लेकर 800 रुपया पैकेट का, और बादशाह बिका है आपका 850 रुपए से लेकर 900 रुपया, 950 रुपया पैकेट का। और पैकेट का वजन जो है 50 किलो, और ग्रेडेड आलू के भाव हैं ये। बात करें जयपुर की, तो जयपुर में आलू गोभी बिक रहा है आपका 1000 से लेकर 1500 रुपया क्विंटल। तो निवल वाले जो है वो आपके 1000 1200 रुपया क्विंटल है, मीडियम 1200 से लेके 1300 1400 रुपया क्विंटल, और बढ़िया आलू जो है वो 1400 से लेके 1500 रुपया क्विंटल बिक रहे हैं। मुंबई का भाव नहीं मिला है। गुवाहाटी की बात करें, तो गुवाहाटी आगरा आगरा वाला बिक रहा है, आगरा और फरुखाबाद दोनों ही बिक रहे हैं आपके 1900 से लेके 2100 रुपया क्विंटल के गुवाहाटी में। और यहीं पे बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में अभी सभी जगह की मतलब मंडियां खुल के नहीं आ रही हैं, और एक मैं लमसम भाव बता रहा हूँ जो आपका अच्छा, वहां पे गड आलू का भाव चल रहा है 900 से लेके 1750 1900 रुपया पैकेट का, और छट्टा आलू बिक रहा है आपका 1000 रुपए से लेके 1000 रुपए 1050 रुपया पैकेट के आसपास। और ये रेट जो होते हैं वहां पे बिल्टी के रेट होते हैं, मतलब गाड़ी पे लोड होके तब ये आपके रेट हैं, और बाकी किसान के रेट अलग होंगे, और यहाँ से हमेशा बिल्टी के ही रेट मिलते हैं, तो ये बिल्टी के रेट हैं। और लमसम ये मतलब मैंने एक बता दिया भाव, वहां पे आपका 900 से लेके 1750 रुपया, और गड का और छट्टा जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट हो सकते हैं, क्योंकि अभी सभी जगहों के रेट आ नहीं रहे हैं, और बता रहे सभी जगह का मार्केट अभी कहीं चालू है कहीं नहीं चालू है, तो थोड़ा सा ऐसा है। तो लमसम जो जहाँ पे बिकता है वो ये है आपका गड जो है 900 से 1750 रुपया पैकेट, और छट्टा जो है 1000 से लेके 1050 रुपया पैकेट बिक रहा है। तो ये थे भाव जो मुझे मिले थे, और बाकी आप अपनी मंडियों का कमेंट में जरूर भाव बताएं, जिससे दूसरे लोगों को दूसरी जगह का भाव भी पता चल जाएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे किसानों को काफी हेल्प मिलेगी। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप आलू की खबर से हर रोज अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, उससे होगा ये कि आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो तुरंत देख पाएंगे। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पर बाई टी मीडिया पेज को लाइक कर सकते हैं, या बाई टी मीडिया ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहां से भी आपको यही खबरें मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।